और ये देखिए आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया गया है। इसरो का अब तक का सबसे जटिल मिशन ये। जिस वक्त का इंतजार था वो वक्त आ गया है और अब L1 पॉइंट पर पहुंचने के लिए इसे मिशन को लगेंगे करीब 125 दिन। 57 का सफल उत्थापन और इसके साथ ये देखिए सफल तरीके से इसकी लॉन्चिंग कर दी गई है। निकल चुका आपको बता दें पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है L1 पॉइंट जहां के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। एक और कदम है अंतरग्रहीय सफर में भारत के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग लॉन्च कर दिया गया इस मिशन को। अब पूरे देश की निगाहें इस पर। इसरो का अब तक का सबसे जटिल सूर्य मिशन है ये, जिसमें कुछ परेशानियां भी सामने आने वाली हैं, यानी कि जटिलताएं, लेकिन तमाम तैयारियों के साथ इसे लॉन्च किया गया है और अब सूरज को लेकर अहम जानकारियां जुटाई जाएंगी। सूर्य और पृथ्वी के बीच जो मौजूद है L1 पॉइंट, वहां पहुंचेगा आदित्य L1 और वहां स्थिर होकर स्टडी करेगा, यानी कि जानकारियां जुटाई जाएंगे। तो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है वो L1 पॉइंट, जहां पर स्थिर होकर हमारा आदित्य L1 स्टडी करेगा। सूर्य मिशन की सफल लॉन्चिंग के बाद और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव मिश्रा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद आज अब सूर्य नमस्कार के लिए आदित्य L1 को भी लॉन्च कर दिया गया है, किस तरह का माहौल वहां अभी इसरो में देखने को मिल रहा है? उत्साह का माहौल है और ये बहुत खुशी की बात है कि हम जो धरती से दो निकट पिंड नजर आते हैं, जो बड़े आकार में नजर आते हैं, चंद्रमा और सूर्य, उन दोनों का हम अध्ययन कर रहे हैं। ये हमारे देश की तकनीकी उन्नति का एक सिंबल है कि हमने तकनीकी क्षेत्र में किस तरह की उन्नति की है और लगातार हम उन्नति करते जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सूर्य का अध्ययन करना, क्योंकि यह धरती का सबसे निकट तारा है, जिसके बारे में अब अध्ययन करके हम आकाशगंगाओं और दूसरे तारों के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और कई ऐसे उद्देश्य इस मिशन में समाहित हैं, कई ऐसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर का हम अध्ययन करने जा रहे हैं जो शायद पहली बार होगा। जैसे हम सूर्य के सतह की जो बाहरी परत है, जो कोरोना है, उसका हम अध्ययन करेंगे। हम वायुमंडल, सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन करेंगे, जो कि पहली बार होगा। देखिए, जो सूर्य के सतह का तापमान है वो लगभग 5400 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जब हम उसके बाहरी इलाके की ओर जाते हैं, जब हम उसकी कोरोना की ओर जाते हैं, तो वो टेम्परेचर लगभग 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वायुमंडल भी कुछ इतना ही गर्म है। ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये अभी तक किसी को मालूम नहीं है। इसलिए क्योंकि ये जो आम बात है विज्ञान में कि अगर कोई गर्म वस्तु है, जब हम उससे दूर जाते हैं तो क्रमशः जो तापमान है वो घटता जाता है, लेकिन सूर्य के मामले में उल्टा है। तो ये चंद्रयान मिशन के बाद ये जो आज हमने आदित्य मिशन लॉन्च किया है और हम सूर्य का अध्ययन करने जा रहे हैं, न सिर्फ भारत के दृष्टिकोण से बल्कि पूरे विश्व और मानवता के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही अहम है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, यानी देश को एक बार फिर से आज गौरवान्वित करने वाला ये दिन है। अच्छा, 125 दिन की यात्रा है राजीव, इसे किस तरीके से समझें, किस तरीके से आज से यात्रा शुरू हुई है, कैसे कैसे आगे बढ़ेगा ये? देखिए, सबसे पहले ये जो मिशन लॉन्च होने वाला था, इसके लिए 12 अगस्त का एक लॉन्च विंडो होता है कि उस धरती, सूर्य, चांद, इन सभी की जो का जो पोजीशन है उसको ध्यान में रखते हुए हमको मिशन लॉन्च करना पड़ता है और एक निश्चित पॉइंट पे पहुंचना पड़ता है। तो उस हिसाब से एक लॉन्च विंडो होता है जो हमारा 12 अगस्त तक था, लेकिन चूंकि हम 12 अगस्त पार कर चुके हैं, इसलिए उसको एक विशिष्ट कक्षा में डाला जा रहा है, जो कि बहुत ही चपटी कक्षा है। 235 × 19,500 किलोमीटर का एक अंडाकार कक्षा है और इसलिए इस मिशन के लॉन्च करने में भी 63 मिनट का समय लगता है। अमूमन आप देखिएगा कि जो भी PSLV लॉन्च होता है, जो हम पोलर ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं, वो 20 या 25 मिनट का होता है, मैक्सिमम 30 मिनट का होता है, लेकिन ये 63 मिनट का ये मिशन है, क्योंकि हमको एक विशिष्ट कक्षा में पहुंचाना है ताकि हम जो समय पीछे से आगे निकल गए हैं उसको मैनेज कर सके। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 5 मैनूवर होंगे और धीरे धीरे ये जो कक्षा है ये बढ़ाई जाएगी और उसके करीब 5 मैनूवर के बाद, जिसमें करीब 15 से 16 दिन लगेंगे, एक ट्रांस लैंग्रेजियन इंजेक्शन होगा। उसके बाद हमारा जो आदित्य उपग्रह है वो लग्रांज पॉइंट की ओर आगे बढ़ जाएगा और करीब करीब 110 दिनों की यात्रा के बाद वह टोटल 128 दिन में लैग्रांज पॉइंट पर पहुंचेगा और वहां पर हम इसको 2 लाख × 6 लाख किलोमीटर के एक ऑर्बिट में स्थापित करेंगे।
और उसमें स्थापित होने के बाद आदित्य मिशन एक ऑर्बिट 178 दिन में पूरा करेगा, यानी एक साल में सिर्फ दो ऑर्बिट करेगा, लेकिन उसकी लगातार नजर सूर्य पर रहेगी और हमको डेली रोज 1440 फोटोग्राफ्स मिलेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि हम किस तरह का अध्ययन करने जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा राजीव, लोगों के मन में एक सवाल ये भी है कि जब अभी चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड हुआ था, तो लैंड हुआ था वो चंद्रमा की सतह पर, तो बेहद गर्व का दिन था। अब 125 दिन का इंतजार और उसके बाद जब L1 पॉइंट पर पहुंचेगा हमारा ये सूर्य मिशन, तो उस L1 पॉइंट को कैसे समझे? आखिर क्या है L1 पॉइंट? कोई उपग्रह है या फिर कोई जगह है जहां पर ये स्थिर हो जाएगा? देखिए, ये एक ऐसा पॉइंट है धरती से सूर्य की जो दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है जी। लेकिन जब हम धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर जाते हैं एक पॉइंट पे, तो वहां पे धरती और सूर्य दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो समान रूप से लगता है। तो वहां पर जो भी सैटेलाइट जाता है वो एकदम स्टेबल होता है, स्थिर होता है। तो इसलिए वहां, और दूसरी विशेषता ये होती है कि लैग्रेंजियन पॉइंट से आप सूर्य पर लगातार नजर रख सकते हैं, बीच में कोई ग्रहण नहीं आएगा, बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी, और आप 24 घंटे सातों दिन 365 यानी एक पूरे साल तक आप नजर रख सकते हैं। तो ये खूबी है इस पॉइंट की, जिसको लैग्रेंज 1, लैग्रेंज 2, लैग्रेंज 3, 4, 5 तक ले जाते हैं, लेकिन हम लैग्रेंज 1 पे जा रहे हैं जी। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल राजीव, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।